टुंडी विधानसभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं और विधायक राजकिशोर महतो की नाकामी को उजागर करने के लिए पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी भास्कर ओझा आज अपने दर्जनों समर्थकों के साथ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सत्याग्रह सह आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इससे पूर्व झारखंड नव निर्माण समिति के नेतृत्व में जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक सैकड़ों की संख्या में आए समर्थकों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार और स्थानीय विधायक के द्वारा टुंडी विधानसभा क्षेत्र की जनता की हो रही अनदेखी को लेकर नारेबाजी की। काम करना नहीं चाहते सरकारी मुलाजिमों को, चारों ओर फैला है भ्रष्टाचार। काम करना नहीं चाहते हैं सरकारी मुलाजिमों के, चारों ओर फैला है भ्रष्टाचार। भास्कर ओझा ने आरोप लगाया कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र में सरकार के नुमाइंदे काम करना नहीं चाहते, बगैर बिजली का बिल थमा दिया जाता है और रुपयों का भुगतान नहीं करने पर गरीब आम जनता पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, कहीं सड़कें नहीं है तो कहीं पुल पुलिया नहीं है, ना ही अस्थायी रूप से जलापूर्ति की व्यवस्था है। बिजली का तो कहना ही नहीं, गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर लूट चल रही है, कमीशन चरम पर है। ऐसे में सड़क पर उतरकर आंदोलन करना और सरकार को आईना दिखाना जरूरी हो गया है कि आज सत्याग्रह में बैठने के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र में धनबाद जिला का सबसे गरीबी क्षेत्र है, न वहाँ उस क्षेत्र में कोयला, न किसी प्रकार का जो है कि उद्योग धंधा, न कोई रोजगार, मतलब मैक्सिमम जो है कि 99% नौजवान जो है कि बाहर में, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो आपके जाकर के अदर स्टेट हो, हर जगह जो है कि बाहर की ओर चला गया, पलायन कर गया है। सरकार इस पर कोई नहीं जो है कि नजर डाल ही नहीं रही है कि ये आवाज सरकार तक गूंजे कि जो हमारे क्षेत्र में जो जन समस्या है, चाहे वो बिजली, आप देखते होंगे कि जब शहर का बिजली ये हाल है तो देहात का बिजली का क्या हाल होगा। सबसे बड़ा समस्या ये है कि हमारा देहात क्षेत्र में फिक्स बिजली है, फिक्स दर तय है और फिक्स के तहत में जो है कि आपका बिजली जले चल ना जले आपको पैसा देना होगा। लोग काफी हद तक परेशान है, रोजगार में तो बेरोजगारी में तो मातम छाया हुआ है, भुखमरी का छाया हुआ है। ये भयावह स्थिति के चलते आज हम लोग जो है कि आज जन सत्याग्रह करने के लिए मजबूर हुए और जब तक सरकार, मैं सरकारी रघुवा सरकार से जो है मांग कर रहा हूँ कि कम से कम टुंडी के जनताओं के प्रति, गरीब जनताओं के प्रति कम से कम अच्छी विचार रखें, अच्छी सोच रखें और ध्यान दें, नहीं तो ये नक्सली क्षेत्र है, मजबूरी बस नक्सली लोगों ने अपनाया है, कोई शौक से नहीं अपनाया है, पेट के चलते। पुनः यदि इस तरह का पेट का जो है कि खातिर यदि इस तरह का मजबूरी करना होगा तो निश्चित रूप से फिर जो है बंदूक उठाने के लिए विवश हुई।